खबर के। नूह में कांग्रेस विधायक मामन खान के कोर्ट में आज पेशी होगी। मामन का दो दिन का पुलिस रिमांड आज खत्म हो रहा है। नूह हिंसा मामले में विधायक मामन खान की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने 6 मामलों में मामन खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। नूह में आज तक इंटरनेट सेवाएं बंद है। अस्थायी रूप से इंटरनेट सेवाएं नूह में बंद की गई थी ताकि किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैल सके, शांति को भंग करने की कोशिश ना की जा सके। और बता दें कि इससे पहले भी मामन खान को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था और उस दौरान पुलिस को काफी सारे सबूत प्राप्त हुए थे। और हालांकि उस वक्त मामन खान ने पूछताछ में कुछ ज्यादा सहयोग पुलिस के साथ नहीं किया था और सवालों से वो बचते हुए नजर आ रहे थे, सवालों का घुमा फिरा कर जवाब देते वो नजर आए थे। और उसके बाद जो है पुलिस ने कोर्ट में 3 दिन के रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड की जगह पर मामन खान को महज 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा, जो आज खत्म हो रहा है। और आज मामन खान का रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी होगी। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, 2 दिन का जो पुलिस रिमांड बढ़ाया गया था मामन खान का, आज वो भी खत्म हो रहा है और कोर्ट में मामन खान की आज पेशी होगी। इंटरनेट सेवाएं नूह में बंद की गई हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, आज क्या हो सकता है सुनवाई में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 2 दिन की और रिमांड कोर्ट की तरफ से बढ़ाई गई थी और इन 2 दिनों के अंदर पुलिस ने उन आरोपियों की पहचान के साथ साथ कई ऐसे दस्तावेज थे जो जुटाने थे और इसी को लेकर 2 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। 137 नंबर मुकदमे में ये कोर्ट ने रिमांड दी और फिलहाल आज जब लंच के बाद जब पेशी होगी तो देखना ये होगा, क्योंकि मामन खान के वकीलों की तरफ से बहस की जाएगी कि अब पुलिस को रिमांड नहीं दी जाए और पुलिस ये दिखाना चाहेगी कि किस तरह से जो दस्तावेज और जो सबूत एकत्रित किए हैं क्या उसके आधार पर और रिमांड बढ़ाई जाए। इन तमाम पहलुओं को लेकर आज कोर्ट में पेशी है, लंच के बाद ये पेशी होगी और उसी को मद्देनजर रखते हुए जो मामन खान के वकील हैं वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आज उतरेंगे कि किस तरह से पुलिस को रिमांड नहीं दी जाए। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से 3 मामलों में रिमांड मांगी थी जिसमें से 137 नंबर मुकदमे में ही कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड दी थी और इस पूरे मामले में अब आरोपियों की पहचान की जानी थी, कुछ ऐसे मोबाइल नंबर से जिनसे उनका संपर्क हुआ था उन लोगों की पहचान की जानी थी, तो अब वो पुलिस ने कितनी लोगों की पहचान की है, कितने तथ्य कोर्ट के सामने रखी है, क्या साक्ष्य जुटाए हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और देवेंद्र, जिस तरीके से पिछली बार खबरें आई थी कि पुलिस पूछताछ में मामन खान सहयोग नहीं कर रहे थे, सवालों से बचते नजर आ रहे थे, टालमटोल करके वो सवाल जवाब दे रहे थे, तो क्या इस बार मामन खान ने कुछ सहयोग पुलिस का किया होगा? क्या सवालों के जवाब दिए होंगे क्या उन्होंने? देखिए, बिल्कुल मामन खान कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था जब पुलिस ने 2 नोटिस उनको दिए थे, उनको तलब किया था पुलिस स्टेशन में आने के लिए, वो नहीं आए और हाई कोर्ट में वो पहुंच गए, हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी तो अक्सर निचली अदालत में अब एक बार फिर गिरफ्तारी के बाद पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस पुलिस जिस जांच की बात कर रही थी उस जांच में कहीं ना कहीं गुमराह जरूर कर रहे हैं मामन खान और यही कारण है कि पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि पुलिस ने कई ऐसे दस्तावेज और ऐसे सबूत जुटाए हैं जिसके आधार पर अब जो मुश्किल है वो मामन खान की बढ़ सकती है, क्योंकि इन 2 दिनों के अंदर ऐसे आरोपियों की पहचान की गई है जो जिन आरोपियों ने इस हिंसक घटना में अहम भूमिका निभाई और वो पूरी तरह से मामन खान के संपर्क में थे। ये मोबाइल के मार्फत साफ हो रहा है और कुछ ऐसी चैट हैं जिनको फोरेंसिक के लिए भेजा गया है, तो उन तमाम जो पुलिस ने एकत्रित किए हैं साक्ष्य इनको धीरे धीरे जब इकट्ठा किया जाएगा, सामने रखा जाएगा कोर्ट के, तो एक बड़े स्तर पर कहा जा सकता है कि मामन खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखना ये होगा कि आज कोर्ट क्या निर्णय देता है, पुलिस को एक बार फिर रिमांड के लिए मामन खान को दिया जाता है या फिर न्यायिक हिरासत में मामन खान को भेज दिया जाता है। ठीक है देवेंद्र, नजर आप इस पूरे मामले पर बनाए रखिए, समय समय पर अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।